हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। सो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी इनलाइन स्केटर्स की कंपटीशन चल रही है, कोर्ट की हो चुकी है। सो ये लोगों ने पहले 500 मीटर में क्वालिफाई किए थे, फर्स्ट सेकंड जो आए थे उनको क्वालिफाई करके ये 3000 मीटर रेस में हिस्सा लेने को मिला है। सो इनकी रेस अभी ख़त्म हुई है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है उनको कैच प्राइज़ मिलेगा। अभी का कैच प्राइज कंपटीशन था और इनको टोटल 15 लैप्स मारने का था। अभी अंडर 11 से अबाउट 17 गर्ल्स का है इनलाइन। इन लोग का भी पूरे 15 लैप है 3000 मीटर्स का। सो पहले इन लोग आराम से जा रहे हैं, टायर्ड नहीं होंगे इसीलिए। और इन लोग का मीन्स 13-14 लैप में ही बाद में उन लोग स्पीड बढ़ाएंगे, बीच में भी ऐसे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इन लोग आराम से ही जा रहे हैं सब। अभी इन लोग ने थोड़ा स्पीड किया 10 लैप्स के बाद। इन लोग पूरे टायर्ड हो गए हैं। पहले ही एक लड़की है इनके, ये अभी ये फर्स्ट में जा रही है। ये फास्टेस्ट स्केटर्स है जो फर्स्ट जा रही है। वो एक एक को पीछे मार के आगे जा रहे हैं। धूप भी ज्यादा ही है यहाँ पर। हम लोग देख रहे हैं कौन जा रहा है आगे, कौन पीछे। कितने आराम से जा रही है जो फर्स्ट जा रही है, वो बहुत ही फास्टेस्ट है। वो कोच भी है एक। यहाँ पर हम लोग पूरे जी जान लगा के कर रहे हैं। इन लोग अभी स्टॉप कर दिए, इनको लगा ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं। अभी वो कोच फर्स्ट नंबर पे है। अभी यहाँ पर ये स्पीड बढ़ा रही है फिनिश लाइन आने के पहले। इसका काउंट ख़त्म हुआ 15 लैप्स। अभी इनका होने होगा। ये सेकंड नंबर पे है, थर्ड फोर्थ, और ये आ रही है वो फिफ्थ है। इन लोग पूरे टायर्ड हो गए हैं 15 लैप मारने के बाद। अभी कैच प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कोड स्केटर्स के हैं पहले। यहाँ पर कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आए उनको ही मिलेगा कैच प्राइज। वो सर सबका नाम ले रहे हैं और कैच प्राइज ये मैम दे रही है, प्रेसिडेंट है। सही फोटोज भी ले रहे हैं लोग। वो सर क्लैप भी करने को हमको बोल रहे थे। ऐसे जगह अच्छा था। अभी दोपहर के मेरा भी अंकल ने, ये अंकल ने फोटो लिया। यहाँ पर ग्रासेस के पास सब बैठे हुए हैं लॉन में। अभी ग्रुप फोटो होगा सभी का। तो सबको ये सर बता रहे हैं खड़े होने के लिए। यहाँ पर ज़्यादातर कर्नाटक के ही लोग हैं और गोवा के। सब लोग आगे देखो, रेडी, ऑल रेडी। फोटो हो रहे हैं। ये देखो मेरा पैसे गिन रहे हैं, मुझे कितने मिले हैं दोनों मिलकर। इन लोग झगड़ रहे हैं पैसे गिनने के लिए। और बैग लेके आओ जल्दी। तुम्हारे वो शॉल और दो तीन बार गिने। इसके बाद अभी हम लोग बस तो अभी ऑटो में हम वापस बस स्टेशन जाएंगे। ये देखो हम निकल गए हैं रेडी होके पूरा। 5 बजे से पहले पहुंचना है। 5 बजे ने को ज़्यादा टाइम नहीं है, उससे पहले ही पहुंचना है सब। अभी पूरा ग्राउंड भी खाली हो गया है, रिंक भी सब लोग चले गए हैं, अभी हम ही बचे थे।
जल्दी जल्दी जा रहे हैं। चल चल के बाद में ऑटो पकड़ के हमको बस स्टेशन जाना पड़ेगा। ये हॉस्टल भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर सभी इंटरनेशनल हॉस्टल है। ये हम लोग बस स्टेशन पहुँच गए। यहाँ पर पंडाल डाला है, पता नहीं कुछ होगा शायद। ये बस स्टेशन इतना बड़ा था, बोलो तो एकदम रेलवे स्टेशन जैसा यहाँ का। पूरा बहुत ही भीड़ था, अभी तो उतना नहीं है लेकिन शाम को होते होते बहुत भीड़ होता है। ये तो हम लोग पहले ही आ गए थे, ऑटो पकड़ के उसके बाद हम लोग आए। हो गया गाड़ी। हेलो गाइस, तो अभी हम बेलगांव के बस स्टेशन पर है और आप देख सकते हो कितना क्राउड है यहाँ पर। ये एकदम रेलवे स्टेशन जैसा लग रहा है, बस रेलगाड़ी नहीं है, बस है। ये तो ऐसे बस स्टेशन नहीं, रेलवे स्टेशन लग रहा है, इतना भीड़। अभी शाम के 7 बजने को आए हैं और अभी हम लोग बस नहीं आई हैं। आज संडे है सो बोल रहे हैं बस बंद है, सो अभी देखो क्या होता है। यहाँ पर हमारे सभी ग्रुप बैठे हुए हैं। इतना भीड़ है, लोग बोरिया बिस्तर लेके कहाँ कहाँ जा रहे पता नहीं। अभी कर्नाटक से जो बस गोवा आती है वो बस तो हमको नहीं मिला, इसीलिए हम गाड़ी रिजर्व करके आए हैं। यहाँ पर देखो मेला भी बहुत ही लगा था, बहुत बड़ा मेला था, देखने में इतना अच्छा लग रहा था, घूमने का मन कर रहा था, लेकिन हम लोग तो अभी घर जाना था बोल के रुके नहीं। ये देखो इतना अच्छा इन लोगों ने डेकोरेट भी किया था पूरे जगह को। अब बहुत भीड़ भी था। अभी हम लोग धीरे धीरे जंगल में घुसे। यहाँ पर इतना पोस्टर्स लगा हुआ था एनिमल्स का भी। ये देखो जगह भी बहुत ही अच्छा अच्छा था। ठीक है, अभी का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं।